तो मैं अब एक ऐसी पर्सनालिटी को बुला रही हूँ अभी, जिनकी यार मैं आजकल एक्टिंग देख रही हूँ, और ये वैसे तो उन्होंने और भी ड्रामे किए हैं, लेकिन ये वाहि ड्रामा है कि जो मेरा मिस हो जाता है तो मैं जाके यूट्यूब पे देखती हूँ, क्योंकि मैं ये ड्रामा फॉलो करी हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि आप सब भी फॉलो करें, समझ गए ना कौन सा जी? जलन। जलन ARY का एक ऐसा ड्रामा है जिसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी आ रही है, इसका मतलब कि वो आप उसे बहुत अच्छे से देख रहे हैं, और ये जो एक्टर है जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। जब मैंने इनको देखना शुरू किया था, मैंने कहा यार वाओ, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ये किधर थे, ये कहाँ थे, मैंने क्यों नहीं देखा कोई और प्रोजेक्ट इनका। फिर जलन की वजह से मुझे बाकी प्रोजेक्ट्स इनके देखने का वो कहते हैं ना कि पता चला, और फिर मैंने बाकी प्रोजेक्ट्स भी देखा, और मैंने कहा यार ये कभी मेरे शो पे नहीं आए, इनको शो पे बुलाना है, इनसे पूछना है इनके करियर का आगाज कैसे हुआ, और ये एक्टिंग का जो टैलेंट था ये कहाँ छुपा के रखा हुआ था। आपने इनको, जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, उनको आपने देखा है अभी रिसेंटली, आप जलन में देख रहे हैं, बंदिश मुबारक हो, बेटी हुई है, मेरा यार मिला दे, वादा, मिरास, हया के रंग, सहेलियां, शहजादा सलीम, और नामालूम अफराद 2 फिल्म जो थी उसमें भी ये थे। तो आइए वेलकम करते हैं फहद शेख। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सो मच। बड़ा मुश्किल होता है, लड़के रोते हैं ना जब लव, तो वो बड़ी मुश्किल एक्टिंग होती है, लेकिन आप इतना प्यारा रोते हैं कि मुझे भी रोना आ रहा था, तो मुझे तक दर्द आ रहा था, मुझे मिनाल पे गुस्सा आ रहा था, यार ये क्या कर रही है, कैसे आप? अल्लाह का करम है, आप माशाल्लाह, आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक्स अ लॉट जी, थैंक्स अ लॉट। कैसे हैं आप लोग? थैंक आप, कैसे? तो फहद, कितने अरसे से कर रहे हैं आप? इट्स बीन अबाउट 4.5 years जी, 4.5 साल हो चुके हैं। आई एम इन कराची, और यहीं से शुरू किया। लाहौर से हूँ मैं। अच्छा, आप लाहौर से? मैं लाहौर से हूँ, और आई केम टू कराची एक्टर बनने। अच्छा, आई स्टार्टेड फ्रॉम एयर, राजू बन गया जेंटलमैन। जी जी, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। तो ARY से मेरा स्टार्ट हुआ था, आई डिड द फर्स्ट सोप सहेलियां, यू मेंशनड इट, तो उसमें मेरे आई थिंक 60 सीन थे। अच्छा, तो उससे शुरू हुआ है काम। तो फहद को एक्टर बनने का शौक था जब वो लाहौर में थे, पढ़ाइयाँ क्या की, क्या यही सोचा था कि मैंने एक्टर ही बनना? नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी नहीं सोचा था, आई वॉन्टेड टू बी अ क्रिकेटर बचपन से। हाँ। वो एक ऐसी चीज थी कि मैं ऑल आउट आई वेंट फॉर इट। बाकी तो चीजें अल्लाह ताला, आप इज अ ग्रेट प्लानर, तो अल्लाह प्लान करता है, आपके हाथ में कुछ नहीं होता। अच्छा, तो क्रिकेटर नहीं बन पाया, आई वेंट टू स्टडी अब्रॉड, तो वहाँ खेली क्रिकेट, शौक पूरा किया, वापस आए, अल्लाह ताला ने हाथ में माइक पकड़ा दिया, आई डिड होस्ट अ शो। अच्छा, एक लाहौर में? या बेस्ड ऑन फैशन, स्टाइल 360 एक चैनल होता था। यस, एग्जैक्टली। जी जी, उस पे करता था, और वो करते करते बोर हो गया, देन आई केम टू कराची, और अल्लाह ताला, जब आपने होस्टिंग किया, आपको लगा कि स्क्रीन पे आके जरा मजा आ रहा है? जी जी, तो इसको कंटिन्यू कर, आई विल नॉट लाई, बहुत मजा आता है, और स्पेशली अगर जॉनरा ऐसा हो आपको अपना, जिस तरह आप करती है, इट्स ऑल यू द मॉर्निंग शो, तो होस्टिंग में ये होता है कि यू सेल योर सेल्फ, आपको प्रिटेंड नहीं करना पड़ता कि ड्रामे में जैसे एक्टिंग, तो वो मैंने बहुत इंजॉय किया। थिंक 3 साल करता रहा मैं वो शो। अच्छा, एंड पे मेरी बस हो गई, क्योंकि मैंने कहा बस, फिर एक्टिंग करने आए कराची, और तो अब जैसे कराची आए, जैसे होता है ना अक्सर, कोई होता है गॉडफादर, कोई हाथ पकड़ता है, कोई प्रोडक्शन हाउस होता है, कहाँ से सपोर्ट मिली? फहद के कोई जानने वाले थे? कोई भी नहीं था, लेकिन एक शख्स है जिन्होंने मेरा शो देखा हुआ था। अच्छा। ऐसे ही ना चलते फिरते, तो फहद मुस्तफा उनका नाम है, बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस है। तो ही आस्क्ड मी वन क्वेश्चन, मुझे मिले वो, क्योंकि मुझे कोई नहीं मिल रहा था। अच्छा। मैं ऑन टीवी कहना चाहता हूँ, मैंने एक दो लोगों को कॉल की। फहद को कैसे अप्रोच किया आप? हाँ, फनी स्टोरी, तो ना मैंने लोगों को कॉल्स की और मैसेज किए, तो किसी ने 1 महीने का टाइम दिया सीधा। हाँ। 30 दिन बाद कॉल करना, 40 दिन, मैंने कहा ये लोग बताते भी हैं। जी जी, तो इतने दिन तो मैंने कहा मैं कराची भी नहीं जाऊंगा। हाँ। अगर ना मिला कोई काम, तो आई टेक्स्टेड हिम जाने से पहले, वापस जा रहा था मैं। अच्छा। 30 दिन बाद ही तो उनका रिप्लाई आ गया, एंड ही सेड के अच्छा मिलो मुझे, तो मैं मिला उन्हें, बातचीत हुई। यानी आस्क मी वन क्वेश्चन, क्या करने आए हो कराची?
मैंने कहा एक्टर बनूं. वो दिन है, आज का दिन है. इसके बारे में बात नहीं हुई लेकिन मैं काम कर रहा हूँ. I did about 10 projects with Big Bang. और अल्लाह का अभी तक आपने Big Bang के साथ ही नहीं, I did one with serial production. वो भी अभी दूसरे चैनल पे चला है. अच्छा. और फिर I did a short film अभी, क्योंकि आपको ऑफर्स आती हैं अभी भी आ रही हैं और मैं नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे उसमें कोई काम करने का नहीं होता. आपको लगता है कि यार आफ्टर जलन मेरा भी डंक आ रहा है. जी. और आफ्टर डंक तो यू नो यू फील दैट कि यार ये ठीक है, ये मैंने कुछ. अच्छा, फैमिली की तरफ से परमिशन लेना, फैमिली ने बाहर पढ़ने भेजा तो वो सोच रहे होते ना, अच्छा जी हमारा बेटा तो बाहर से पढ़कर पढ़ा क्या आपने. मैं ECC हूँ जी. अच्छा. अकाउंटेंट हूँ मैं, शेख हूँ, तो ऑब्वियसली फाइनेंस में ही जाना था. अच्छा. तो सच बताओ तो उसमें फैमिली ने ऐसे कभी नहीं, मैंने आस्क देम कि मुझे क्रिकेटर बनना है. तो लोग पता तो था कि मैं खेल अच्छा खासा लेता हूँ, स्कूल टाइम से मैं खेल रहा था. अच्छा. तो मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ती है. अगर आपने प्रोफेशनल बनना होता है यू हैव टू प्ले ऑल टाइम. बिल्कुल. जब से शुरू करते हैं आप रात तक, बल्कि रात को लाइट में. हाँ. तो मैं वो वाला था. अच्छा. बैट के साथ ही सो रहा था. तो उन्होंने कहा ठीक है अगर ये करना है तो कर लो. फिर आई हैड टू लीव माई स्टडीज. तो मैंने वो 9 महीने छोड़ी, मैंने खेला क्रिकेट. आज अगर वो देख रहे हैं वो जो जिन्होंने मुझे निकाला था टीम से. नाम बता दे, फाद नाम बता दे. दे लो, अब वो कांटेक्ट करते हैं मुझसे कि कैसे हो. हाँ. हुआ ये था पाकिस्तान में, मैं टीवी पे क्योंकि यूथ है डिसअपॉइंट हो जाए. यूज्ड टू बी अ वेरी पैशनेट गाय. तो मैंने बड़ी मेहनत की दिन रात. खुदा रास्ते बना दी. जी जी जी. सोचा क्या था आप इधर से उधर टर्निंग. जी जी जी. आपको पता ही नहीं चलता और हर एक्सपीरियंस से आप सीखते हैं. हाँ ना, और क्या.